कम से कम 100-150 आदमी के तो काट चुके हैं, ज्यादा काट ली सर, मांस निकाल ली। बहराइच शहर का ये चौखड़िया गांव है, यहाँ पर आदमखोर भेड़ियों की दहशत नहीं है, यहाँ पर बंदरों की दहशत है। 100 से 125 लोग ऐसे हैं जिनको ये बंदर काट चुके हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को भी इन्होंने काटा है। इस गांव में जितने लोग हैं इन बंदरों से परेशान हैं, जिसको लेकर आला अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, वन विभाग से भी इसकी शिकायत की गई है, लेकिन नतीजा शून्य। यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, हम बात करेंगे उनसे इन बंदरों को लेकर किस तरह की दहशत उनके यहाँ है। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाची? कलावती। ये जो आपके गांव में सूचना मिल रही है कि बहुत सारे बंदर हैं, लोगों को काटते भी हैं, 100 से 125 लोगों को काट चुके हैं, तो क्या है वास्तव में? सब रोटी उठा ले गए। आपके यहाँ भी काटा है किसी को? बच्चे को हमने लड़का के काटा, आटा का लगा है, पोता के काटे से भी, अभी सुई लगवाए लेके अस्पताल से आवा गया है सब लोग। कितने दिनों से समस्या बनी हुई? अरे तो 2-3 साल से बहुत आतंक करते हैं। कितने बंदर होंगे? अरे कम से कम 2,000-2,500 से कम नहीं। तो बंदरों के बारे में तो कहा ऐसा जाता है कि अगर बंदर को आप छेड़िए ना तो वो काटते नहीं, नहीं। वो ऐसे टहलत है, बच्चन का बिस्कुट ना दे मिलत है, खाना ना खिलावे मिलत है, दुकान से कोई सामान लेकर जाओ का छोड़ लेते हैं तुरंत, न गेहूँ पछोरे मिले न चावल बिचारे मिले, कैसे खाना बनावा जाए सब लोग। तो आपके गाँव में यहाँ कितने लोग होंगे जिनको ये बंदर काट चुके हैं? अरे कम से कम 100-150 आदमी के तो काट चुके हैं, 3 लोग तो हमारे घर में भी काट, 4 लोग का काटे अभी, परसों नरसों काटे नहीं लड़का के। तो आपने इसकी, आप लोगों ने शिकायत कहीं पर की इसकी? हाँ कल हुआ, गवा कर रहा था उन्हें डीएम के। तो समस्या इतने दिनों से बनी हुई है, आप लोग खाली कल ही गई हैं? अरे तो कल अभी एक आदमी के गए, थोड़ा ना हो जब सब लोग जुटे थे तब सब लोग जावा जाते हैं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम जावित्री देवी। क्या बंदरों की आपके यहाँ? बंदर बहुत परेशान किए हैं हम लोग, उनका खाए पिए कुछ ना देते हैं, कपड़ा लत्ता फाड़ डालते हैं, ना रखते हैं, बोर्ड और सब नोट डालते हैं। हाँ अब मैंने एक नीक नीक चला था तब हूँ जानी की बच्चा का हमें छुई नहीं, तुरंत नोचे दौड़त है, रोटी उठा ले जाए, चावल आटा कुछ। आपको भी काटा था? हमारे काटी से ज्यादा काट ली सर, मांस निकाल ली सर, यहाँ काट ली सर ऊपर ऐसे नाई के, बहुत परेशान की से, लड़का के भी काट ली सी, एक बछड़ा हमारे बछड़ा के काट ली सी, पूरा काने काट दी सी बछड़ा के काट ली से, बहुत परेशान किए, कुछ ना कोनो चीज बस पहुँच के सब चीज की परेशानी की है, या कपड़ा ना पसाने थे कहूँ चले जाओ कपड़ा पसार के। बहुत कितनी आबादी होगी इस गांव की? आबादी तो कम से कम 4,000 के आसपास है। 4,000 की जी। तो उपाय आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सोचा था कि यहाँ से कोने में हटवा दिया जाए बंदर को। आप लोग अपने सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? अब क्या किया जाए, कोई मैं काटा था घर में बैठ के बनाए थे खाना पानी, घर में खावा जाते तनको चूक जाओ, कुछ सामान होते कुछ नहीं बचाते, चाहे 1,000 रुपए के लगावे चाहे 100 रुपए के लगावे, तुम बंदर उठाए ले जाते कुछ रखते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? बराते लाल बंदर। आपको भी काटा था? हाँ ये देखो हमने काटा अभी हाल फिलहाल में, अभी परसों का काटा, परसों काटा। हाँ तो क्या करते हैं, कैसे बचाव करेंगे आप? तो मैंने का करी कौन उपाय है, बहुत परेशान, लड़का जब पढ़ाई के बाद लड़का गिरा लिए से टिफिन और सब, मतलब पूरा सब का लड़का है। हाँ हमारे लड़का। तो ये बताइए ये बंदर आपको जब काटा तो कहाँ जा रहे थे आप? कहूँ नहीं जाता है, मतलब घर में पल्ला बंद भी के रहना था और गावा रहा, पकड़ा पल्ला माई ठोकर जैसे झाँक के और रोटी उठा लेगा हाथ में, मतलब जूते में वहाँ पकड़ लिए भर सब कुछ। तो इंजेक्शन लगवाया? नहीं अभी नहीं गया। क्यों इंजेक्शन क्यों नहीं लगा? नहीं अब भेजे धान थोड़ा कटा रहा है इसलिए। ये तो जरूरी है ना, पहले इसको करिए आप। हाँ करें। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की? कहाँ करिए, सब है जब गए तो साथ में गए। बेटा है इसको कब काटा? आजा बेटा इधर आजा। क्या नाम है? कम 15-20 दिन हो गया था, कहीं स्कूल जा रहे थे, हमें बस्ता जाना था, टिफिन है इसलिए उसको हम उसको भी का लिया, बस्ता छीन के वैसे फेंक दिया, बस्ता टांगल भी ले जाते हैं कोई छत तक में, खाना खाओ तो खाना छीन ले जाते हैं, और घर में खाना रखा है तो खाना आप बूते भी पल्ला खोले छिटके खसका देते हैं। बूढ़े बच्चे जवान महिलाएं, शायद ही कोई ऐसा हो जिसको इन बंदरों ने छोड़ा हो। इस गाँव में बंदरों ने लोगों का जीना दुश्वार करके रख दिया है। 100 से 125 लोग ग्रामीण ऐसे हैं, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, जिनको ये अपना निशाना बना चुके हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि चौखड़िया गांव के निवासियों को इन बंदरों से कब निजात मिलती है। चौखड़िया गाँव से लोकल 18 के लिए बिन्नू वाल्मीकि की रिपोर्ट।